हाय, आई एम डॉक्टर आशीष मार्कन, कंसल्टेंट विट्रोरेटिना एंड यूवीएस स्पेशलिस्ट एट I7 हॉस्पिटल। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। काफ़ी स्पेशल है ये, बिकॉज शी इज़ अ 28 ईयर ओल्ड यंग फीमेल एंड इनको पिछले 8 साल से यूवियाइटिस की प्रॉब्लम है। यूवियाइटिस का मतलब होता है कि आँख के अंदर सूजन का आना। तो पिछले 8 साल हो गए हैं इनको आंख के अंदर सूजन है। पहले इनको लेफ्ट आई में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, अब कुछ सालों से इनको राइट में स्टार्ट हो गई है। इन्होंने मल्टीपल हॉस्पिटल्स में दिखाया है और इनको काफ़ी बार आई के अंदर इंजेक्शंस भी लगे हैं, बट इनको रिलीफ नहीं आ रहा है। आज की डेट में इनके जो लेफ्ट आई है उसमें तो विजन ऑलमोस्ट इनका चला गया है, देर इज जस्ट फिंगर काउंटिंग विजन। और राइट आई के अंदर इनको थोड़ी सी मूवमेंट वगैरह ये अपने आप से चल फिर रहे हैं, अराउंड 2 meters की इनकी विजन है। बट द प्रॉब्लम विद यूवियाइटिस इज कि इसका अभी तक इनका डायग्नोसिस नहीं बन पाया है कि इनको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। इन्होंने बहुत बार स्टीरॉयड्स का कोर्स लिया है, बट स्टीरॉयड्स लेने से बार बार इनकी बॉडी में सूजन आ जाती है, इनको स्टीरॉयड्स के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अभी ये मेरे पास परसों आए हैं, हमने इनका एंजियोग्राफी किया है, एंजियोग्राफी पर हमने इनका डायग्नोसिस बनाया है एक्यूट पैन यूवियाइटिस। तो पैन यूवियाइटिस का मतलब होता है कि आँख की जो तीनों सेगमेंट्स हैं, इंटीरियर सेगमेंट, इंटरमीडिएट सेगमेंट और पीछे जो रेटिना है, तीनों में इनको इन्फ्लेमेशन है या सूजन है। हमें कारण अभी नहीं पता है कि ये क्यों बार बार हो रही है। इनके काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट, छाती का सीटी स्कैन और टीबी वगैरह के टेस्ट हो रखे हैं, उसमें टीबी का हल्का सा शक लग रहा है, बट कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है। तो बिकॉज शी इज़ नॉट एम्बुलेटरी, ये खुद से चल भी नहीं पा रहे हैं, तो हमने इनका एक स्पेशल सर्जिकल प्लान बनाया है जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक प्लस थेरापूटिक विट्रेक्टमी। तो डायग्नोस्टिक विट्रेक्टमी का मतलब है कि हम इनकी विट्रेक्टमी करेंगे, जो भी विट्रस जेल है उसको हम सैम्पलिंग के लिए भेजेंगे, उस सैम्पलिंग के अंदर हम साइटोलॉजी करवाएंगे, प्लस हम TB PCR जो कि ट्यूबरकुलोसिस का जो बैसिला है उसको डायग्नोज करने के लिए हम PCR का सैंपल रन करवाएंगे, इनका विट्रस सैंपल। और अगर उसमें कुछ TB का पॉजिटिव आएगा तो इनको साथ में हम ATT जो कि एंट्री ट्यूबरकुलर थेरेपी है वो स्टार्ट करेंगे। प्लस दिस इज़ ऑल्सो अ थेरापूटिक विट्रेक्टमी। थेरापूटिक का मतलब होता है कि जो हम किसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए विट्रेक्टमी करते हैं, क्योंकि इनकी आई के अंदर अभी इस टाइम पे इतना ज़्यादा विट्राइटिस है, इतने ज़्यादा डेंस विट्रस मेम्ब्रेन्स हैं, वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये सिर्फ स्टीरॉयड्स के साथ या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम इनकी सर्जिकल इंटरवेंशन करके वो सारे मेम्ब्रेन्स को क्लियर कर देंगे, उससे इनको एक एडवांटेज एक्स्ट्रा ये मिल जाएगा कि इनकी विजन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। विजन इम्प्रूव करने की वजह से she'll be able to walk around, she'll become ambulatory. तो basically हम कर रहे हैं diagnostic plus therapeutic vitrectomy. Diagnosis to make a particular diagnosis कि ये TB की वजह से है या किसी और कारण से है, और दूसरा है therapeutic vitrectomy basically to treat the media opacity, जो media है उसको हम clear कर देंगे, फिर हम इनको long term immunosuppression पे shift कर देंगे, because ये steroids तो ले नहीं सकते हैं। And if everything goes fine, then हम same surgical plan इनका लेफ्ट आई के लिए करेंगे। इनका नाम गुलफशा है। हम पिछले 8 साल से परेशान हैं। हम कई हॉस्पिटल में गए, दिखाया हमने, तो क्या नाम है, हम गुरु नानक गए फर्स्ट टाइम पे, जो पहली बार जब इनके आँख में परेशानी आई, उन्होंने इनके टेस्ट वगैरह करे तो उन्होंने बताया आँख के पर्दे पे सूजन है। तो उसके लिए फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया, उससे कोई आराम नहीं पड़ा। इंजेक्शन से आराम नहीं हुआ तो फिर होते होते कुछ साल बाद वो राइट हैंड पे सीधी आँख में भी आ गया। तो अब परेशानी इतनी है कि इन्हें चलने फिरने में ही परेशानी हो रही है। फिर हमने इन्हें एम्स में दिखाया, वहाँ भी इंजेक्शन लगाए गए। फिर हमने इन्हें सफदरजंग में दिखाया, वहाँ भी इंजेक्शन लगाए गए। कोई मतलब हल नहीं हुआ, कोई मतलब हमारी परेशानी दूर नहीं हुई। और उन्होंने ना ही बताया किस वजह से आ रही है, क्यों आ रही है, बस खाली परेशानी बढ़ती थी, इंजेक्शन लगा दिया करते थे। मगर हमें यहाँ का पता चला, फिर हमने यूट्यूब पर देखा, हम यहाँ आए, यहाँ हमारी सर्जरी होगी इनकी। अब मालिक से उम्मीद है कि बस सफलता मिले, परेशानी दूर हो जाए। इनकी लेफ्ट साइड में 5 इंजेक्शन लग चुके हैं और राइट साइड में 4। इंजेक्शन लगा देते हैं तो कुछ दिन के लिए, जैसे हफ्ता 15 दिन या 1 महीने के लिए थोड़ी नज़र साफ़ हो जाती है, फिर जब वो परेशानी एकदम उखड़ के आती है तो और ज़्यादा वीक हो जाता है। दवाई वगैरह इन्हें खाने के लिए दी थी, उससे इनकी घबराहट होने लगती थी इन्हें, और वेट इनका बढ़ने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा। डॉक्टर आशीष के पास हम आए तो पहले तो उन्होंने चेक करा, तो उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए हमें बोला कि आप एंजियोग्राफी कराइए। हमने एंजियोग्राफी कराई तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आई उन्होंने बताई, मगर इन्हें परेशानी ज़्यादा है तो उन्होंने इसलिए सर्जरी के लिए कहा। तो आज इनकी सर्जरी है। तो सर ने हमें बताया था कि ये परेशानी किस वजह से आ रही है ये मालूम नहीं पड़ पा रहा, उसके लिए हम आँख का सैंपल लेंगे और उसको भेजेंगे बाहर टेस्ट के लिए, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये परेशानी किस वजह से आ रही है, हम उस परेशानी को भी ख़त्म करेंगे ताकि ये परेशानी दोबारा ना आए।
राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सर्जरी जो हमने डायग्नोस्टिक प्लस थेरापूटिक विट्रेक्टमी करनी है. अभी हम क्लीन अपना आई एम जस्ट स्क्रबिंग. द मेन कंसर्न इज़ कि हमने लेंस पेयरिंग विट्रेक्टमी करनी है बिकॉज इनको बहुत ही मिनिमल PSC है. एक तो वो आइडिया है दिमाग में एंड दूसरा ये है कि हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कर रहे हैं यूजिंग 25G कटर एंड क्योंकि साइटोलॉजी प्लस TV PCR भेजना है तो वी नीड एन एडिक्वेट विट्रस सैंपल. तो वो हम एक एडिक्वेट विट्रेक्टमी करके सैंपल भेजेंगे इनका बोथ डाइल्यूटेड एज वेल एज अनडाइल्यूटेड सैंपल एंड होपफुली अगर सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है देन वही है मेरे माइंड में कि शी विल रिकवर हर विजन एंड एम्बुलेटरी हो जाएगा पेशेंट. आई थिंक वी जब भी कोई सर्जरी स्टार्ट करते हैं एज अ रेटना सर्जन दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन आई ऑलवेज डिज़ायर कि हाँ आई कैन गिव बेस्ट आउटकम टू माई पेशेंट. तो वो एक हल्का सा एंगजाइटी तो रहती है दिमाग में बिकॉज दीज आर वेरी हाई स्टेक सर्जरीज. पेशेंट हैज़ कम विद अ नन आइड स्टेटस. पेशेंट को दोनों आइज में दिख नहीं रहा है एंड द होल आइडिया ऑफ डूइंग सर्जरी इज़ कि हम पेशेंट को थोड़ी विजन दे सकें. पेशेंट बहुत होप से आता है हमारे पास एंड इट इज़ अ बिग चैलेंज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो नॉट एन ईजी टास्क फॉर अ सर्जन. मतलब रात को सोने से पहले भी यही केस दिमाग में चल रहा था. सुबह उठ के भी यही केस दिमाग में चल रहा है. अभी भी वही सब चल रहा है कि केस के टाइम में क्या करना है क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ वी कीप कूल माइंड हैव अ गुड स्लीप अ गुड ब्रेकफास्ट एवरीथिंग सो दैट हम बहुत ओरिएंटेड रहें ड्यूरिंग द केस. देर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस. सो माई OT इज़ ऑलवेज फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन. कोई नॉइज नहीं. इट इज़ अ डार्क OT. वी कीप द लाइट्स ऑफ एंड कीप दिस कीप्स मी फोकस्ड. एंड चाहे सर्जरी 30 मिनट्स की है 40 मिनट्स की है बट पेशेंट के लिए तो वो सर्जरी है. दो वी डू इट एवरी डे. तो बहुत ही हाई स्टेक सर्जरीज होती हैं ये. सो थोड़ा सा एड्रेनलिन रश तो रहता ही है दिमाग में बट या द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम अपना काम मेंटेन करके रखें ड्यूरिंग द सर्जरी. बाई चांस वी फील कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग या कुछ भी हो रहा है तो द ओनली थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड इज़ कि हमें अपनी ट्रेनिंग याद करनी है. हमारे पुराने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस याद करने हैं कि हमने क्या किया था उस टाइम पे. हमारे टीचर्स ने क्या किया था एंड दैट इज़ द वे वी डू ऑल दीज केसेस. ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस वी आर नॉट गॉड्स बट वी ट्राई टू गिव बेस्ट टू आर पेशेंट्स एंड होपफुली इस पेशेंट को भी द माई होल आइडिया ऑफ डूइंग द सर्जरी इज़ कि पेशेंट को हम एम्बुलेटरी कर सकें एंड द नेक्स्ट टाइम शी कम्स इन टू माई रूम वो खुद चल के आएँ और कोई उनको हाथ पकड़ के ना लाए अंदर. सो लेट्स सी. जैसे हमने डिस्कस किया था सो दिस पेशेंट वी हैव टेकन अप फॉर डायग्नोस्टिक प्लस थेरापूटिक PPV. डायग्नोसिस हम करेंगे. हम विट्रस सैंपल सारा का सारा इनका भेजेंगे फॉर TV PCR एनालिसिस एंड साइटोलॉजी. और थेरापूटिक इन सेंस की जो भी ये विट्रस ओपेसिटीज़ हैं जो आपको दिख रही हैं है ना ये इंटीरियर सेगमेंट लाइट से ही दिख रही हैं कि द विट्रस इज़ सो हेजी. तो इसको क्लियर करके हम बेसिकली एक थेरापूटिक सर्जरी करेंगे ताकि पेशेंट को जो है एम्बुलेटरी विजन आ सके इस आई में. सो वी आर डूइंग अ 25G पार्सप्लिना विट्रेक्टमी. दे दो पहले मेरे को कटर दे दो. सो अभी हमने 3 पोर्ट्स बना ली हैं एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ वी विल बी डूइंग टेकिंग अ अनडाइल्यूटेड विट्रस सैंपल. सो दिस इज़ द अनडाइल्यूटेड विट्रस सैंपल जो हमने कलेक्ट किया है. ये हम साइटोलॉजी के लिए भेजेंगे और TV PCR एनालिसिस. तो जब भी डायग्नोस्टिक विट्रेक्टमी करनी है द आइडिया इज़ कि हम दोनों डाइल्यूटेड एज वेल एज अनडाइल्यूटेड विट्रस सैंपल भेजते हैं. डाइल्यूटेड का बेसिकली फंडा है कि वो वी गेट द एंटायर विट्रस सैंपल एंड वी सेंड इट जो वॉल्यूम बढ़ जाता है. एंड अनडाइल्यूटेड का एडवांटेज है कि इट विल बी अ कंसनट्रेटेड विट्रस सैंपल एंड जो डायग्नोस्टिक यील्ड है दैट बिकम्स बेटर. सो क्लियरली आप इसमें देख सकते हो इंट्रा ऑपरेटिव व्यू में द मीडिया इज सो हेजी. काफ़ी सारी विट्रस डेब्रीज हैं विट्रस मेम्ब्रेन्स हैं विच इज़ कॉजिंग हर प्रॉब्लम कि इनको विजन नहीं आ रहा है इस वजह से. तो इनको क्लियर कर रहे हैं अब हम करिए फिर ठीक.
अभी हम डाइल्यूटेड विट्रो सैंपल ले रहे हैं। डाइल्यूटेड में हम वी नीड एन असिस्टेंट हु विल पुल ऑन टू द सिरिंज जो हमने कटर के साथ कनेक्ट कर दी है। फुल हो जाएगा बता देना मुझे। और इसमें ना एक फ्रेश PST रख लेना 40 mg। आ गया सो दिस इज द डाइल्यूटेड सैंपल। रफली हमने अराउंड 8 ml डाइल्यूटेड सैंपल ले लिया। ये भी हम एनालिसिस के लिए भेजेंगे एंड नाउ वी विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द विट्रेक्टमी। सो वी हैव ऑलमोस्ट क्लियर्ड द एंटायर मीडिया। अभी मैं पेरिफेरल विट्रेक्टमी कर रहा हूँ एंड देन दिस विल बी द एंड ऑफ द केस। हमने मीडिया सारा क्लियर कर लिया है, एडिक्वेट विट्रस सैंपल ले लिया है जो हम डायग्नोसिस के लिए भेजेंगे एंड होपफुली इफ एवरीथिंग रिमेंस फाइन शी शुड रिकवर अ गुड अमाउंट ऑफ विजन। अभी इनको पर्दे पे सूजन भी है तो उसके लिए हम मेडिसिन वगैरह इनकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है सो वी हैव कम्प्लीटेड द विट्रेक्टमी एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द सर्जरी। बाकी जो रिपोर्ट है दैट विल कम इन नेक्स्ट 3 to 5 days। अकॉर्डिंगली वी विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ठीक है सो ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है 25 G। सो वी आर नॉट इवन पुटिंग एनी सूचर्स। सूचर से कई बार पेशेंट को इरिटेशन या फिर फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो ये पोर्ट साइज बहुत छोटा होता है तो दिस कैन बी लेफ्ट सूचरलेस। दिस इज़ द एंड ऑफ द सर्जरी। हमने तीनों पोर्ट्स को क्लोज कर दिया है एंड होपफुली टमोरो हम देखते हैं एक बार, फिर उसके बाद इनका पोस्ट ऑप रजीम शुरू कर देंगे हम एंड होपफुली शी विल रिकवर एंड विल बी एबल टू वॉक ऑन हर ओन। एम्बुलेटरी विजन एटलीस्ट आ जाए एंड शी स्टार्ट्स मूविंग, दैट इज द होल आइडिया। इधर देखिए ऊपर और नीचे सीधा देखो। ठीक है अभी तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है और पर्दे के आगे जितना भी वो था गंदगी वगैरह वो सारी साफ कर दी है हमने। ठीक है विजन भी इनकी काफ़ी इम्प्रूव कर गई है, अब होपफुली अपने आप से चल फिर रहे होंगे घर पे। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। बाकी ये है कि इनको कैटरेक्ट भी है आँख में, तो वो जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि कैटरेक्ट की सर्जरी अभी नहीं करी है हमने। ठीक है सिर्फ जो पर्दे के आगे जितना भी वो थी उसकी सफाई कर दी है, जितनी भी सूजन थी। ठीक है अब एक बार खाने वाली सूजन की दवाइयाँ चलेंगी, उससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी धीरे धीरे। बाकी आराम से फिर 1-2 महीने बाद कैटरेक्ट की सर्जरी करके फिर इसमें प्रॉपर विजन की रिकवरी होगी। अभी भी इनकी लेकिन अराउंड 70-80% आप लेके चलो कि नज़र बढ़ गई है। पहले तो सिर्फ उंगलियां दिख रही थी, अब तो प्रॉपर बोर्ड के 2-3 अक्षर दिख रहे हैं। ठीक है और इम्प्रूव कर जाएगा, अभी तो डे 1 ही है। ठीक है धीरे धीरे और इम्प्रूव कर जाएगा। ठीक है बाकी वो इम्यूनो सप्रेशन की जो दवाई है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है वो रिपोर्टें आ जाएंगी इनकी 5 दिन में ना, फिर उसके बाद करते हैं वो दवाई स्टार्ट। ठीक है मुझे 5 दिन में दिखाना है दोबारा। ठीक है अभी हम आपका विजन ले रहे हैं, ये पहली लाइन है, आप इसको रीड करेंगे क्या लग रहा है। ठीक है अभी ये यहाँ पर रीड करेंगे क्या लग रहा है वो आपको। 4 और 0 है। वेरी गुड। अभी ये थर्ड लाइन है, ध्यान से गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा। 7 है 0 है। ठीक है अभी ये फोर्थ लाइन है, आप इसको रीड कर पाएंगे कोई भी एक लेटर। 4 है। बहुत अच्छे। 2 है। 2 भी है। और आपका सीधी आँख का जो विजन है वो 618 है। आप लगभग 60% पढ़ पा रहे हैं।
50-60% के बीच पढ़ पा रहे हैं। पहले इनको सिर्फ 2 मीटर का दिखता था, 1 मीटर और ये 2 मीटर, ठीक है, यहीं तक का इनको दिख पा रहा था। अभी ये लगभग 6-18 तक पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले से अभी आपको बेटर हुआ है दिखना? जी, अब तो मुझे फेस दिख रहा है, फेस वैसे दिखते नहीं थे मुझे, मुझे अपना फेस भी नहीं दिखता था, अब मुझे अपना फेस भी दिख रहा है, डॉक्टर का भी फेस दिख रहा है, अपने बच्चों का भी दिख रहा है। अन्य मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, मैं गिर रही थी ठोकरे खा खा के। ठीक है, अभी पहले से बेहतर हो गया? जब से ऑपरेशन हुआ है जब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, दिख रहा है। पहले मेरी आँख में फ्लोटर्स आते थे और मेरी आँख के पर्दे पे सूजन बताई थी, मगर अब डॉक्टर ने सर्जरी करके वो जो फ्लोटर्स थे उनकी सफाई कर दी है। अब मुझे बहुत सही दिख रहा है कि फेस भी दिखाई दे रहा है, पहले मुझे फेस भी नहीं दिखाई दे रहा था, अपना तक का फेस नहीं दिखाई दे रहा था और मैं ठोकरें खा के गिर रही थी। और मैंने गुरु नानक में, एम्स में, सब में दिखाया था, 8 साल से मेरा इलाज चल रहा था, मगर मुझे वहाँ पर सिर्फ इंजेक्शन ही लगाए गए आँख में, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। I7 हॉस्पिटल का हमने यूट्यूब पर देखा, वहाँ से हमने सर्च करके जब हम यहाँ पे आए, काफ़ी अच्छी वो आई है, अब दिख रहा है सब। पहले जब मैं आई थी मुझे अस्पताल का भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, अब तो सबके फेस दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो उन्होंने मुझे उंगली दिखाई थी तो मैं वो भी ध्यान से देख के पढ़ पा रही थी, बता नहीं पा रही थी मैं, मगर अब मैंने बोर्ड पर से 3 लाइनें पढ़ दी, इतना तो वो हो गया है, मैं अपने काम अपने आप कर सकती हूँ। अब आँख से थोड़ा सफ़ा दिख रहा है तो मैं अपना बच्चों को स्कूल भेजना, खाना पकाना, अब तो इतना बेहतर दिख रहा है कि मैं अपना काम कर लूँगा। डॉक्टर आशीष सर ने बोला है कि अभी हमने आँख के पर्दे की सफाई करी है, अब धीरे धीरे सही हो जाएगी, और जो सूजन है उसकी हम टेबलेट देंगे, और इसमें मोतियाबिंद भी है, क्या मोतियाबिंद का लेंस रखेंगे, और 2-3 महीने के बाद दूसरी आँख का भी करेंगे। दूसरी आँख में भी ऐसी परेशानी है मेरे, अभी तो एक आँख का करा है तो उससे बहुत बेहतर दिख रहा है, जब दोनों हो जाएगी तो अपना साफ दिखाई देगा। और सरकारी हॉस्पिटल में, गुरु नानक में, एम्स में जो दिखा रहे हैं, और जिन्हें मेरी जैसी परेशानी है, आप यहाँ पे आके दिखाइए, यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होगा, जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है। मैं 8 साल से बहुत परेशान थी मगर मेरे को वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपको भी मेरी तरह परेशानी है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं I7 हॉस्पिटल में।